प्रभु ने अपनी सुंदरता में इस संसार की सृष्टि की। हम मनुष्यों को भी प्रभु ने अपने अनोखे प्यार में बनाया, लेकिन हम मनुष्यों द्वारा ही इस संसार में पाप की उत्पत्ति होती है। लेकिन प्रिय विश्वासियों, प्रभु की करुणा सब कुछ से बढ़कर है, इसलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा कि उसके दुखभोग के द्वारा हम पापों से मुक्ति प्राप्त कर सके। प्रभु ईश्वर की करुणा कभी न सूखने वाले एक जल स्रोत की तरह है। तो आइए आज हम इस करुणा की माला विनती में अपने सब प्रकार के निवेदनों के लिए प्रार्थना करते हुए कहें। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंतकाल तक सदा रहेगी, आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके लौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुआरी मरियम से जन्मा, पौंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है, वहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करती हूँ, आमीन। हे शाश्वत परमपिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए आपके परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर एवं रक्त उसकी आत्मा और ईश्वरत्व आपको चढ़ाते हैं। समस्त संसार का सृष्टिकर्ता प्रभु है। आइए हम प्रभु यीशु के दुखभोग के द्वारा इस संसार से हर प्रकार की द्वेष, ईर्ष्या और अशांति को खत्म करते हुए संसार में प्रभु की शांति वास करे, इसके लिए प्रार्थना करते हुए कहें। आप सभी का प्रत्युत्तर होगा, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू पवित्र है, सर्वशक्तिमान है, अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू पवित्र है, सर्वशक्तिमान है, अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू पवित्र है, सर्वशक्तिमान है, अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे शाश्वत परमपिता,
हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए आपके परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर एवं रक्त उसकी आत्मा और ईश्वरत्व आपको चढ़ाते हैं। दाहिना हाथ बढ़ाकर चंगा करने वाले हे हमारे प्यारे पिता, आज हम सभी बीमार भाई बहनों को समर्पित करते हैं, विशेषकर जो भी भाई बहन क्रिटिकल केयर यूनिट में हैं, जो भी आईसीयू में हैं, जो भी लंबे समय से वेंटिलेटर्स पे हैं, ऐसे सभी भाई बहनों को आज हम इस करुणा की माला विनती में समर्पित करते हुए उनके लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि हम इस योग्य नहीं कि आप हमारे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और हमारे भाई बहन चंगे हो जाएंगे। इसी विश्वास के साथ आइए हम यह माला विनती बोलें। आप सभी का प्रत्युत्तर होगा, सभी बीमार भाई बहनों को चंगाई प्रदान कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा सभी बीमार भाई बहनों को चंगाई प्रदान कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा सभी बीमार भाई बहनों को चंगाई प्रदान कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा सभी बीमार भाई बहनों को चंगाई प्रदान कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा सभी बीमार भाई बहनों को चंगाई प्रदान कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा सभी बीमार भाई बहनों को चंगाई प्रदान कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा सभी बीमार भाई बहनों को चंगाई प्रदान कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा सभी बीमार भाई बहनों को चंगाई प्रदान कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा सभी बीमार भाई बहनों को चंगाई प्रदान कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा सभी बीमार भाई बहनों को चंगाई प्रदान कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा सभी बीमार भाई बहनों को चंगाई प्रदान कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा सभी बीमार भाई बहनों को चंगाई प्रदान कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पवित्र दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा सभी बीमार भाई बहनों को चंगाई प्रदान कर, हे ईश्वर तू पवित्र है, सर्वशक्तिमान है, अमर है, सभी बीमार भाई बहनों को चंगाई प्रदान कर, हे ईश्वर तू पवित्र है, सर्वशक्तिमान है, अमर है, सभी बीमार भाई बहनों को चंगाई प्रदान कर, हे ईश्वर तू पवित्र है, सर्वशक्तिमान है, अमर है, सभी बीमार भाई बहनों को चंगाई प्रदान कर, हे शाश्वत परमपिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए आपके परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर एवं रक्त उसकी आत्मा और ईश्वरत्व आपको चढ़ाते हैं। हम सभी परिवारों के लिए धन्यवाद देते हुए आइए सभी परिवारों को प्रभु के सानिध्य में समर्पित करें कि हे प्रभु, आपकी दया से हर एक परिवार एक आदर्श परिवार बन सके। माता पिता अपने बच्चों के प्रति और बच्चे अपने माता पिता के प्रति प्रेम भावना रख सके। आइए हम परिवार को प्रभु को समर्पित करते हुए इस माला विनती को बोले। आप सभी का प्रत्युत्तर होगा, सभी परिवारों पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा सभी परिवारों पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा सभी परिवारों पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा सभी परिवारों पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा सभी परिवारों पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा सभी परिवारों पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा सभी परिवारों पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा सभी परिवारों पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा सभी परिवारों पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा सभी परिवारों पर दया कर,
हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा सभी परिवारों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा सभी परिवारों पर दया कर। हे ईश्वर, तू पवित्र है, सर्वशक्तिमान है, अमर है, सभी परिवारों पर दया कर। हे ईश्वर, तू पवित्र है, सर्वशक्तिमान है, अमर है, सभी परिवारों पर दया कर। हे ईश्वर, तू पवित्र है, सर्वशक्तिमान है, अमर है, सभी परिवारों पर दया कर। हे शाश्वत परमपिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए आपके परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर एवं रक्त उसकी आत्मा और ईश्वरत्व आपको चढ़ाते हैं। आइए प्रिय विश्वासियों, इस भेद में हम कर्ज में डूबे उन सभी लोगों को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करें। हे करुणामय प्रभु, हे संसार के सृष्टिकर्ता, आज उन सभी लोगों को जो इस दुख में हैं कि हम अपने कर्ज को कैसे चुकाएंगे, जो आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, ऐसे सभी लोगों को समर्पित करते हुए आइए हम इस माला विनती में इन लोगों के लिए प्रार्थना करें। आप सभी का प्रत्युत्तर होगा, कर्ज में डूबे लोगों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा कर्ज में डूबे लोगों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा कर्ज में डूबे लोगों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा कर्ज में डूबे लोगों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा कर्ज में डूबे लोगों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा कर्ज में डूबे लोगों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा कर्ज में डूबे लोगों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा कर्ज में डूबे लोगों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा कर्ज में डूबे लोगों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा कर्ज में डूबे लोगों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा कर्ज में डूबे लोगों पर दया कर। हे ईश्वर, तू पवित्र है, सर्वशक्तिमान है, अमर है, कर्ज में डूबे लोगों पर दया कर। हे ईश्वर, तू पवित्र है, सर्वशक्तिमान है, अमर है, कर्ज में डूबे लोगों पर दया कर। हे ईश्वर, तू पवित्र है, सर्वशक्तिमान है, अमर है, कर्ज में डूबे लोगों पर दया कर। हे शाश्वत परमपिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए आपके परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर एवं रक्त उसकी आत्मा और ईश्वरत्व आपको चढ़ाते हैं। इस भेद में हम विशेष करके आत्मदर्शन को और यहाँ पर कार्यरत हर एक व्यक्ति को समर्पित करते हैं कि आत्मदर्शन के द्वारा वचन का प्रचार प्रसार इस संसार के कोने कोने में हो पाए। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। आप सभी का प्रत्युत्तर होगा, आत्मदर्शन के द्वारा वचन का प्रचार प्रसार होने दे। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा आत्मदर्शन के द्वारा वचन का प्रचार प्रसार होने दे। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा आत्मदर्शन के द्वारा वचन का प्रचार प्रसार होने दे। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा आत्मदर्शन के द्वारा वचन का प्रचार प्रसार होने दे। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा आत्मदर्शन के द्वारा वचन का प्रचार प्रसार होने दे। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा आत्मदर्शन के द्वारा वचन का प्रचार प्रसार होने दे। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा आत्मदर्शन के द्वारा वचन का प्रचार प्रसार होने दे। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा आत्मदर्शन के द्वारा वचन का प्रचार प्रसार होने दे। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा आत्मदर्शन के द्वारा वचन का प्रचार प्रसार होने दे।
हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा आत्मदर्शन के द्वारा वचन का प्रचार प्रसार होने दे। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा आत्मदर्शन के द्वारा वचन का प्रचार प्रसार होने दे। हे ईश्वर, तू पवित्र है, सर्वशक्तिमान है, अमर है, आत्मदर्शन के द्वारा वचन का प्रचार प्रसार होने दे। हे ईश्वर, तू पवित्र है, सर्वशक्तिमान है, अमर है, आत्मदर्शन के द्वारा वचन का प्रचार प्रसार होने दे। हे ईश्वर, तू पवित्र है, सर्वशक्तिमान है, अमर है, आत्मदर्शन के द्वारा वचन का प्रचार प्रसार होने दे। संत पापा और कैथोलिक कलीसिया के विशेष मतलबों के लिए हम प्रार्थना करते हुए कहें, हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंतकाल तक सदा रहेगी, आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।